अभी तो याद है अपना इसमें बोलना जानकारी बारे सुपुर में तो वो निश्चिंत रहा। हाँ वो तो हमारा काम है ना, हम तो सचोट तो बड़ बोलोगे देखा होगा सो कुमार दास समझ हिल लगा ले तो ये कौन गली के बारे सर धान बुरा के बन चुका ता ये कौन धान बुरा का है सरा। ये दरोगा जी आराम से महाराज आपका वीडियो बनाया जा रहा है और आप शराब पी रहे हैं। जी हाँ हम बात कर रहे हैं बिहार में शराबबंदी कानून की और शराबबंदी कानून को सही ढंग से लागू करवाने और चलवाने वालों की। यह हैं बिहार के एक थाना के एसआई साहब जो कि शराब के नशे में धुत हैं और लगातार फ़ोन पर किसी को गालियां बक रहे हैं। दरोगा जी को पता नहीं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और बड़ा बाबू को क्या क्या कह रहे हैं। पूरे वीडियो को जब आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा। नशे में धुत एसआई साहब सोच रहे हैं कि मुझसे बड़ा पोस्ट मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि शराब के नशे में इंसान को कुछ समझ नहीं आता है, वही हाल शायद मुझे लगता है कि एसआई साहब का हो गया होगा। हालांकि आप पूरे वीडियो को एक बार देखिए पहले, उसके बाद आपसे फिर बताते हैं आगे की कहानी और किस थाने के दरोगा जी हैं। जानकारी बारे सुपुर में तो वो निश्चिंत रहा। हाँ वो तो हमारा काम है ना, हम तो सचोट तो बड़ बोलोगे देखा होगा सो कुमार दास समझ हिल लगा ले तो ये कौन गली के बाहर सर धान बुरा के बन चुका ता ये कौन धान बुरा का है सरा। हम गांव से जगह बढ़िया से सारे अब तो पहले जल्द बन जाए बिल्कुल तो यही कहा था कि बट वो राजपूत बुनियाद के ऊपर जो हिसाब से रहना है कुछ ही जगह है। हम ये सर हम पुराना आदमी है लेकिन भाग में रुझा पक गई बेटा बेटी के ब्याह के तो मस्जिद बनी है बेटा हम नौकरी कर रहा सब दिनों। वीडियो की शुरुआत यहाँ से होती है कि शराब पीने के बाद भूंजा खा रहे होते हैं एसआई साहब। एसआई साहब को एक कॉल आता है, बगल में बैठे शख्स उनको जब फ़ोन देता है तो हालचाल होता है। हालचाल के बाद कहते हैं कि बैठे हुए हैं और हम अभी चाय चौका पी रहे हैं, माने चाय पी रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे वीडियो में कि लगातार यह चाय नहीं यह शराब है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि जांच से होगी और मुझे लगता है कि अभी तक इनको सस्पेंड कर देना चाहिए था। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि यह सस्पेंड हो सके। आपको बता दें इनका नाम है भरत राय और यह बिहार के छपरा जिले के शाहजीतपुर थाना में अभी एसआई हैं। पिछले कुछ सालों से अपना काम संभाल रहे हैं शाहजीतपुर थाना में। लेकिन आपको बता दें कि मुझे इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि लगातार शराब पी रहे होंगे, लेकिन इनका वीडियो अभी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और क्या आपको क्या लगता है बिहार में शराबबंदी कानून सही ढंग से पालन करवाने वाले लोग सही ढंग से पालन किस तरह से करवाएंगे जब खुद शराब के नशे में होंगे। आगे इस वीडियो में एक और काली सच्चाई जो है कि शराब के नशे में गाली जो दे रहे हैं इतनी गंदी गालियां हैं जिसे हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। गालियां आप सुन चुके होंगे लेकिन हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि शब्द जो हैं काफ़ी ज़्यादा अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि कुछ लोग जब कमेंट में लिखते हैं, एक चैनल के द्वारा डाला गया एक पोस्ट था जिसमें लिखा गया है हाँ तो क्या सबका लाइफ है भाई। उसके बाद एक आदमी लिखते हैं आनंद विद्युत जी, एसआई साहब दारू में मिलावट की जाँच कर रहे थे चखना के साथ। एक शख्स ने लिखा है पिंकू नाम के शख्स ने,
एक तो घर पर बुलाते हो सर, आप खुद ही पिलाते हो, शराब खुद ही पिलाते हो लिखना चाह रहे थे, वीडियो भी बनाते हो, दोस्ती तो है आपकी पक्की दरोगा जी से, लेकिन यही बताती है वह पक्की दोस्ती नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मजाकिया अंदाज में बहुत सारे कमेंट लिखे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, इस एसआई साहब के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस एसआई साहब के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।